भगवान ने उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया चित्रलेखा के द्वारा और बाणासुर का उद्धार हुआ है और राजा नृग पर कृपा की, भगवान ने गौदान दिया। राजा नृग क्या करते थे? गौदान करते थे। एक गौदान करने के कारण राजा नृग को भगवान का दर्शन हुआ। आप लोग भी मरने के पहले तीन काम कर लेना। पहला काम भागवत सुन लेना। अभी 4 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी वृंदावन में, तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के सुख शांति समृद्धि के लिए, आप जीते जी भागवत सुन लो या फिर मरने के बाद सुनना। और बच्चों को बढ़िया संस्कार दोगे तो मरने के बाद सुनवा देंगे, नहीं तो फिर सीताराम। इसलिए हम कहते हैं जीते जी अपने मरने का सारा, मरने के बाद कुछ ना कर पाएगा कोई, जीते जी कर लो। हम तो कहते हैं पुण्य के कार्य सारे जितने हैं जीते जी करो। हम पहला कहते हैं कि पहला आप भागवत सुन लेना, दूसरा अपने हाथ से जीते जी गौदान कर लेना। मरने के बाद बेटा करेगा ना करेगा, यहां तो गौ मिलती नहीं, पिल्ले ही दान कर देते, यहां तो गाय मिलती नहीं, चीनी मट्टी की दान करें। पिल्ला पकड़ के ले जाए लो पंडित जी, गाय तो मिली नहीं, पिल्ला ले लो। तो जीते जी गौदान, पूंछ पकड़ के वैतरणी से वही पार लगाती, जीते जी गौदान कर लो। बेटा जब मरने के बाद करेगा करेगा, और भागवत सुन लो। और तीसरा काम मरने के पहले अपने जीते जी अपनी तेरही वेरही कर लो। आप लोग अपनी जीते जी क्या कर लो? तेरवी जानते हैं, यहां होती है लंदन में, तेरही कर लो अपनी जीते जी। मरने के बाद पता नहीं बच्चा इतना बिजी है, तेरा ब्राह्मण मिले ना मिले, तेरा लोग खवाए ना खवाए, इसलिए जीते जी अन्नदान कर लो, जीते जी पुण्य का कार्य कर लो, जीते जी कर लो। मरने के बाद ना बैठे रहो, मरने के बाद जो बेटा करेगा वो प्लस से करता रहेगा, अच्छा है। लेकिन आजकल के तो बच्चे, दो बेटे हैं ना, तो बड़ा बेटा कहता छोटे से तू कर ले, बाप की तेरी, तू सारा खर्चा कर। छोटा बेटा कहता तू कर, बड़ा बेटा कहता बाप मर गया उसकी दिक्कत नहीं है, बस तेरी कौन करेगा, परेशान है। ऐसा लोग कई बार तो बच्चे लड़ जाते हैं आपस में, और हम क्यों खर्चा करें, बाप तुझे ज्यादा दे के गया तू कर। तो ये बच्चों को भैया सब दे दो बाद में, लेकिन अपने लिए अपनी तेरी अपनी करके मरो ना आराम से, बच्चों को टेंशन ना रहे। खर्च तो तुम कर ना करना भैया।